अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे चैनल में आपको वेलकम कहते हैं। आज हमारा टॉपिक है दीना। दीने के टिप्स आज हम आपको देने आए हैं। एक बात मेरी नोट कर लीजिएगा, क्या क्या टिप्स मैं आपको देने जा रहा हूँ, इसके टिप को आप अमल करेंगे दीने पर, मैं कहता हूँ आपका पौधा कभी का आप नहीं होगा। मैं टोटल आपको इसके बारे में आज 5 चीज़ें बताऊँगा। इन 5 चीज़ों को आपने अमल कर लिया तो आपके इस तरह पौधे हरे भरे रहेंगे। ये बात याद रखिएगा। पहले नंबर पर सनलाइट है। सनलाइट कोमल आपने इसको देनी है, कितनी आपके यहाँ आती है ये बात याद रखिएगा। इसको शेडी एरिया अच्छा नहीं लगता, इसको सनलाइट अच्छी लगती है, ये बात याद रखिएगा। दूसरे नंबर पर आता है पानी। पानी आपने इसको एक बात नोट कर लें, पानी इसको 2 टाइम आपने लगातार देना है, मतलब फर्स्ट टाइम और सेकेंड टाइम पानी इसको हर सूरत आपने डालना है। क्यों? आपने सनलाइट में रखती है और पानी 2 बार देंगे तो ये अच्छा चलेगा। तीसरे नंबर पर आते हैं खाद। खाद हमेशा केमिकल कोई चीज़ आप इन पौधों पर यूज़ ना करें। पालक, धनिया, दीना और मेथी, इन खाने वाली चीज़ों पर आप कभी भी केमिकल ना से करें, ना केमिकल खाद यूज़ करें। क्यों? इनको हमने कुछ यूज़ करना होता है, इसलिए उसका असर केमिकल खाद का इनके अंदर आ जाएगा। फिर इसलिए बेहतर है आप गोबर खाद, घी पोस्ट की हुई खाद यूज़ करें। कैसे? गोबर खाद हो गई, बाकी काफ़ी खादें मिल जाती हैं और तरह की, उनको यूज़ करना चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं। वो तो बेस्ट खादें इनकी कही जाती हैं। इनकी सबसे बड़ी एक वजह आती है, इन पर फूल लगते हैं, कलियां बनती हैं, फूल लगते हैं, बीज बनते हैं। आपने वो नहीं लेने। कब आपको अपने पौधे पर कलियां मतलब नज़र आने लग जाएं, कलियां काट कर फेंक दें। आपने पौधे पर ना बीज लेने हैं, ना फूल लेने हैं, ना कलियां लेनी हैं। तीनों चीज़ें आपने पौधे पर नहीं आने देनी, ये बात याद रखिएगा। आपने आने दी और बीज बन गए, दीना तो गो करेगा लेकिन फिर उस तरह गो नहीं कर पाएगा किस तरह आप चाहते हैं। ये छोटा सा बोल है मेरा, ये आप देख सकते हैं, ये देखें, और ये कम से कम कितनी अच्छी गो जा रही है। और ये सामने 10 इंच की बाल्टियाँ पड़ी हुई हैं, पीछे 8 इंच की पड़ी हुई हैं, ये देख लें। और 5वें नंबर पर सबसे बड़ी बात, कब बारिश हो तो बारिश का पानी हमेशा ड्रेन कर दें। बारिश का पानी इसके बीच खड़ा रहा तो ये आपका पौधा खराब हो जाएगा, मतलब गल जाएगा। उसके बाद इसके आपकी ग्रोथ पौधे की रुक जाएगी, बहुत बड़ा आसान होगा आपको पौधे, ये बात याद रखिएगा। इसके बीज भी आप गो कर सकते हैं, लेकिन बीज गो करने के लिए आपको उसको तैयार करने के पीरियड को कम से कम 31-32 दिन लगेंगे, मतलब 32 दिन लग जाएंगे। इससे बेहतर आप कलम गो कर लें, कलम कम से कम 14-15 दिन लेगी और आपकी तैयार होगी। ये देख लें, मैं आपको कलम ही आप शो कर देता हूँ। ये देख लें, कलम लगी हुई है मेरी सारी, और ये मैं आपको एक कलम काट के देता हूँ। ये देखें कहाँ से मर्जी काट लें, यहाँ से पीछे से काटते हैं। ये देखें, देखें कलम बहुत आसानी से इसकी चल जाती है, ये बात याद रखिएगा। कलम मैंने काफ़ी ज़्यादा इसकी लगाई हुई है, सीलिंग टैग में लगाई हुई है, और कम से कम बहुत कम टाइम लगता है, ये बात याद रखिएगा। हम वीडियो में तरफ वापस चलते हैं। इसकी कलम आपने किस तरह गो करनी है, मेरी उसके ऊपर एक अलग वीडियो जूद है। उसके बाद आपका पौधा बारिश के पानी से खराब हो गया, उसको आपने सही कैसे करना है, उसके ऊपर एक अलग वीडियो जूद है मेरे चैनल में। कोई आपने सवाल पूछना है मुझसे तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ये बात याद रखिएगा। और कोई बात आपने मुझसे कहनी है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नई वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात करेंगे आपसे। अल्लाह हाफिज़ मेरे दोस्तों।